नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कृषि बिल को लेकर संसद से सड़क तक हंगामा जारी है, जहां एक तरफ किसान पंजाब हरियाणा समेत देश के अन्य हिस्सों में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी इस मुद्दे को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। इस बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी शायराना अंदाज में मोदी सरकार पर हमला बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को एक साथ दो ट्वीट किए। पहले ट्वीट में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए लिखा कि जिन्हें हम हार समझे थे गला अपने सजाने को, वही अब नाग बन बैठा हमें काट खाने को। दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि काले बिल पास, पूंजीपतियों की कमाई का रास्ता साफ, किसान की राह में काटे, पूंजीपतियों की राह में फूल, भारी पड़ेगी भूल। नवजोत सिंह सिद्धू के दोनों ट्वीट काफी चर्चा में हैं और इन पर कमेंट भी खूब आ रहे हैं। सिद्धू के अलावा कई कलाकारों ने भी कृषि विधेयक को लेकर विरोध जताया है। कुछ लोग किसानों के समर्थन में हैं तो कुछ लोग विधेयक का पक्ष ले रहे हैं। वहीं राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस की ओर से तीन मांगे रखी हैं। पहली मांग है कि सरकार एक नया बिल लाए जिसमें ये बात सुनिश्चित की जाए कि कोई भी प्राइवेट कंपनी MSP के नीचे किसानों से कोई उपज नहीं खरीद सकती। दूसरी मांग ये है कि स्वामीनाथन फार्मूला के तहत MSP देश में तय हो। हमारी तीसरी मांग ये है कि भारत सरकार, राज्य सरकार या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करे कि किसानों से निर्धारित MSP की रेट पर ही उनकी उपज खरीदी जाए। जब ये तीनों मांगे नहीं मानी जाती, हम सदन की कार्रवाई का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल इस बिल पर मोदी सरकार पर चौतरफा वार हो रहा है, लेकिन मोदी सरकार किसानों को समझाने में लगी है और कह रही है कि ये बिल किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।